subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है, पक्का है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा जो है कनाडा के एक मनोवैज्ञानिक है। जो कैसे मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी। टालमैन भी व्यवहारवादी हैं, वुडवर्थ भी व्यवहारवादी हैं, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, जो कि कनाडा के। तो देखिए दोस्तों, बंडूरा ने अपना प्रयोग जो है बच्चों पर किया और बच्चों के साथ खिलौनों पर किया, ठीक है। बच्चों और खिलौनों पर बंडूरा ने प्रयोग किया, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। और अल्बर्ट बंडूरा ने 5 सिद्धांत दिए, जिसमें से सबसे पहला है आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत, चौथा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और पाँचवा है अधिगम का प्रतिरूपण सिद्धांत। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है 1977 में अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, मॉडलिंग थ्योरी या अधिगम का प्रतिरूपण सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, और अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत भी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है दोस्तों। अब इनको याद करने के लिए आपको, आप जिसे भी अपना आदर्श मानते हैं, अपना मॉडल मानते हैं, अपना प्रतिमान मानते हैं, उसको अपने दिमाग में आपको रखना। जैसे मैं मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानता हूँ, किसे मानता हूँ, सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानता हूँ, तो अल्बर्ट बंडूरा नाम याद आते ही आपको सचिन तेंदुलकर याद आ जाएंगे, और सचिन तेंदुलकर नाम याद आते ही आपको याद हो जाएंगे कि सचिन तेंदुलकर को हम क्या मानते हैं, आदर्श। और ज्यों आपको याद आएगा कि सचिन तेंदुलकर को हम आदर्श मानते हैं, अपना मॉडल मानते हैं, त्यों आपको दो सिद्धांत याद हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा का आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत और अधिगम का प्रतिरूपण सिद्धांत। प्रतिरूपण मतलब होता है मॉडल, तो आदर्श कहिए चाहे मॉडल कहिए सचिन तेंदुलकर को, ये दोनों आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप सचिन तेंदुलकर को अगर आदर्श मानते हैं तो टीवी पर देखना आप उन्हें पसंद करेंगे, आमने सामने से तो डेली देख नहीं पाएंगे, टीवी पर देखना आप पसंद करेंगे, और देखना का मतलब होता है प्रेक्षण करना या अवलोकन करना। इससे आपको याद हो जाएगा कि जब टीवी पर देखना आप पसंद करेंगे तो उसे प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आप टीवी पर देखना क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हीं की तरह आपको खेलना है, उन्हीं के गुण व्यवहार को आपको धारण करना है, बल्कि कॉपी करना है, अर्थात धारण करने को ही अनुकरण भी कहते हैं, नकल भी कहते हैं, कॉपी करना कहते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने। और चूंकि सचिन तेंदुलकर एक सामाजिक व्यक्ति हैं, क्या है, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो आपको इससे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो 1977 में अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ये भी याद हो जाएगा। तो देखिए, ये पांचों सिद्धांत कितने आसानी से आपको याद हो गया। अगर आपको सचिन तेंदुलकर याद है अल्बर्ट बंडूरा में, तो सचिन तेंदुलकर एक आपको आप आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना मॉडल मानते हैं, तो आपको पहला याद हो जाएगा आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। आपको दूसरा याद हो जाएगा कि अधिगम का प्रतिरूपण सिद्धांत या मॉडलिंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, और इनको हम टीवी पर अवलोकन करना, देखना पसंद करेंगे, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। और जब हम टीवी पर देखेंगे क्यों, उनका अनुकरण करने के लिए, इससे आपको याद हो जाएगा कि अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। और सचिन तेंदुलकर एक सामाजिक व्यक्ति हैं, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत 1977 में किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया सोशल लर्निंग थ्योरी में कि बच्चा जो है अनुकरण और अवलोकन करके ही सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा अनुकरण और अवलोकन करके ही सीखता है। उसका उदाहरण इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो 1977 में दिया है उसमें बताया है। देखिए यहाँ पर बताया है, यहाँ पर एक लाल टी शर्ट पहना हुआ बच्चा अवलोकन कर रहा है, देख रहा है, अनुकरण कर रहा है, जैसे आप करेंगे वैसे वह करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आदमी इस खिलौने को, आपको हमने पहले ही बता दिया कि इन्होंने बच्चों और खिलौनों पर प्रयोग किया है, और यह खिलौने को क्या कर रहा है, मार रहा है। देखिए एकदम ध्यान से, यह खिलौने को क्या कर रहा है, मार रहा है, और यह बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा फिगर है, यह बच्चा जो है बैठा हुआ है और यह खिलौने के साथ खेल रहा है, अर्थात कहने का मतलब है कि इसको मार नहीं रहा है बल्कि उससे प्रेम कर रहा है।
तो देखिए बच्चा देखने के बाद क्या किया, जब ये आदमी चला गया, ये आदमी देखिए यहाँ से चला गया, तो ये लाल टी शर्ट वाला बच्चा इसे क्या कर रहा है, इस डॉल को भी मार ही रहा है, क्योंकि उसने कॉपी किया, उसने अवलोकन किया, उसने जैसा देखा वैसा करने का प्रयास किया। इसी को कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, या आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत, या मॉडलिंग थ्योरी, या अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत। अब यहाँ पे देखिए ये टी शर्ट वाला बच्चा है, यहाँ पे ये खिलौनों से क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है, नहीं मार रहा है। देखिए खिलौना फर्स्ट क्लास वहाँ पर है, तो बच्चे जैसे देखते हैं वैसा ही अनुकरण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप दिन भर अगर अपने घर में गाली देंगे तो बच्चा गाली सीखेगा, आप चाहे जितना बचाने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसा आप अनुकरण करेंगे, जैसा आप करेंगे बच्चा वैसा भी अनुकरण करके सीखेगा। देखिए बच्चे और खिलौनों पर इन्होंने प्रयोग किया, और यहाँ पर बताया है कि बालक जो कुछ भी देखता है, अवलोकन करता है, अनुकरण करता है, उसी को वैसा ही करने की कोशिश करता है, अर्थात बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये भी क्वेश्चन आपका आया है कि बालक का शुरुआती अधिगम आधारित होता है, तो बालक का शुरुआती अधिगम अनुकरण पर ही आधारित होता है। जैसे पापा बाल झाड़ते हैं, जैसे पापा नहाते हैं, वैसे बच्चा बाल झाड़ने का प्रयास करता है, वैसे नहाने का प्रयास करता है, जैसे पापा ब्रश करते हैं वैसे बच्चा ब्रश करने का प्रयास करता है। यानी बालक जो कुछ भी देखता है उसको वैसा ही करने की कोशिश करता है, और उसी को अवलोकन या अनुकरण कहते हैं, अर्थात बच्चा शुरू शुरू में अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, और जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसी को प्रतिमान, उसी को मॉडल, उसी को आदर्श कहा जाता है। इसीलिए आप कहते हैं कि अधिगम का प्रतिरूपण या मॉडलिंग सिद्धांत किसने दिया है, बंडूरा ने दिया है। जैसे वो पापा को देखकर व्यवहार कर रहा है तो पापा उसके लिए मॉडल हो गए, प्रतिमान हो गए, आदर्श हो गए। अगर मम्मी को देखकर कर रहा है तो मम्मी उसके लिए प्रतिमान हो गई, मॉडल हो गई, आदर्श हो गई। अगर वह अपने भाई बहन को देखकर कर रहा है, वैसे वैसे बाल झाड़ने का प्रयास इत्यादि कर रहा है, तो भाई बहन जो है प्रतिमान, मॉडल या आदर्श हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने अनुकरण की चार चरण बताए, इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण की चार चरण बताए, क्योंकि अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, देखिए यहाँ पे अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, बंडूरा ने दिया है। तो अनुकरण के चार चरण भी कौन बताएगा, बंडूरा ने बताया। तो अनुकरण के चार चरण को याद रखने के लिए भी आपको सचिन को ही याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सचिन को अगर कोई आदर्श मानता है तो बताइए उनको एकदम ध्यान से टीवी पर देखेगा कि नहीं, एकदम अटेंशन से, एकदम ध्यान से देखेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, अवधान कहते हैं, यानी ध्यान लगाकर एकदम अच्छे से टीवी पर सचिन को देखेगा। क्यों देखेगा, क्योंकि उनकी चीज़ों को उसको क्या करना है, धारण करना है, उनकी चीज़ों को क्या करना है, कॉपी करना है। और जब एकदम अच्छे से उनकी चीज़ों को दिमाग में बैठा देगा, हूबहू बैठा देगा, तो बाद में कुछ दिन बाद पुनः उत्पादन यानी पुनः स्मरण, यानी बाद में वह अपने अचेतन मन से चेतन मन में लाने का प्रयास करेगा जब वह खेलेगा, ठीक है, जिसे आप कहेंगे पुनः स्मरण। और ये तीनों काम, अवधान, धारण और पुनः स्मरण, तभी होगा जब आप उसके लिए क्या होंगे, अभिप्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। तो चौथा है मोटिवेशन। कहने का मतलब ये है कि अनुकरण की प्रक्रिया के चार चरण में पहला है अवधान, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः उत्पादन या पुनः स्मरण, और चौथा है अभिप्रेरणा। तो आपसे पूछता है कि निम्न में से अनुकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो ये चारों में से कोई एक गायब कर देगा, दूसरा दे देगा, तो इसलिए आपको चारों का चारों नाम एकदम सही से याद होना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिया है कि चिन्ह या प्रतीक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको पता है किसने दिया है, यस ओ आर सिद्धांत को प्रस्तावित किसने किया है, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रस्तावित किसने किया है, यस ओ आर सिद्धांत को प्रस्तावित किसने किया है, जे बी वाटसन ने किया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, और अनुकरण की प्रक्रिया के चार चरण के प्रतिपादक कौन है, ये भी आपको पता है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, और बार बार पूछा है कि सामाजिक, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में आया था, हम लोग नहीं कर पाए थे। अधिगम का प्रतिरूपण सिद्धांत यानी मॉडलिंग थ्योरी किसने दिया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चा किस माध्यम से शुरू शुरू में सीखता है, तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकरण की प्रक्रिया के चार चरण आपको अवधान, धारण, पुनः उत्पादन और अभिप्रेरणा याद रहना चाहिए, और तमाम प्रकार क्वेश्चन। अगर अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसके बाहर आ जाए अल्बर्ट बंडूरा से, इसलिए जो है इसको विश्वास करके एकदम अच्छे से पढ़िए। हम लोगों का टेट में 119 नंबर, 116 नंबर, 121 नंबर, 105 नंबर जूनियर वाले में है, ये सब प्राइमरी वाले में है, तो हम लोग जो भी चीज़ बताएंगे कम्प्लीटली अच्छा बताएंगे, उसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।